हालांकि जो तस्वीर सामने आ रही है शायद अभी मीडिया से बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बाहर निकलते हुए और दीपक तो सहयोगी हमारे आनंद अमृतराज भी वहां पर मौजूद है। तस्वीर जो सामने आ रही है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हलचले बड़ी हुई है सदन के बाहर। नीतीश कुमार की मौजूदगी है, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव आया 9 तारीख आने की, इस बिल को पेश भी किया जाना है, बीजेपी ने समर्थन किया है। नीतीश कुमार अभी क्या कुछ कहते हैं वो गौर करने वाली बात होगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और सीधी तस्वीर आपको सदन के बाहर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर आज सफाई देंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद जबरदस्त हंगामा मचा है और मुख्यमंत्री इस वक्त दीपक तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दीपक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के अपनी बात भी रख रहे थे। उस दौरान उस बयान को लेकर के थोड़ी सी बयानबाजी भी तेज हुई और उस पर भी मुख्यमंत्री ने कुछ फिर से अपनी बात रखी है कि जो सेक्स एडुकेशन है वो कितना जरूरी है ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही कहना था कि महिलाएं अगर साक्षर होती हैं तो वो भी जागरूक रहती हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, और इसी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे भी, सहयोगी आनंद भी वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरा दिन भी कई विधायी कार्य जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, लेकिन सदन के अंदर लगातार वो हंगामा नारेबाजी शोर की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है और नीतीश कुमार की एक बार फिर से मौजूदगी है, तो ऐसे में कई जो विधायी महत्वपूर्ण कार्य वो भी पूरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपके इस बात को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही है। मुख्यमंत्री जी भाजपा की विधायक आ रही हैं कि अरे गिर जाएगा ये कर ले तो गिर जाएगा, ध्यान हुआ है महिलाओं का, सामने से महिला विधायक कह रही हैं बोलिए सर, हम के लिए क्या
खोलो बेटा चुप थोड़ा सा, बहुत गंदा भैया आपका आदत है, थोड़ा सा नीचे करो कोशिश। एक मिनट हम बोल देते हैं। हाँ बोल रहे हैं, बोल रहे बोल रहे। देखिए भाई तार छोड़े हुए हैं, क्या कहा है अरे नीचे कीजिए जी, नीचे कीजिए। हमने तो जो भी कहा है आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई, और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही हैं। भैया ये थोड़ा सा नीचे कीजिए ना भैया, ये नाई कहा था, अरे नीचे कीजिए ना। हमने ये बताया था अगर शादी में अगर जल्दी बीच में आप बोलने लगते हैं, कहा था भैया रख दीजिए ना, रमन भैया नीचे रखिए नीचे, बस इतने पर रखिए इतने पर। अनुभव और लोग महिलाओं का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी। अरे आप लोगों नीचे कीजिए भाई, कौन मत, उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया, और जब पता चला नीचे कीजिए दोनों महिला अगर साथी हो गई, अगर लोगों नीचे कीजिए कमर टूट जाएगा। मैट्रिक पास है वो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि दो है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी दो, और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का आया 1.7, तंग कर रहे हैं बिहार का आया तो वहाँ के बारे में देखो मोबाइल कौन किया यार। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में अरे नीचे कीजिए पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया, और तभी हम बता दिए हेलो ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया, तो हमने तो यही कहा है हम तो महिलाओं ने माइक लगा दिए कुछ लेने में, और उसके लिए लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई बिहार नीचे दोनों हेलो ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया, तो हमने तो यही कहा हम तो महिलाओं ने लगा दिया कुछ लेने और उसके लिए अरे यार बिहार लाइन नीचे कर यार। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई बिहार लाइन थोड़ा सा नीचे कीजिए देखिए नहीं कह लीजिए माफी मांगता हूँ। अरे लाइफ बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं, और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है तो मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी काम सूत्र का किताब लिखो नीचे आप मोबाइल आगे कर लेके अभिनंदन ही करता हूँ, और बाकी समझ लीजिए
हमने तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है सर, छोड़िए सर, समाज हित में ही सर बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हमने बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% और केंद्र ने 10% अपर कास्ट। भैया इधर है नहीं मोबाइल, अरे मोबाइल किसका बात है, ऐसे कीजिए जी, कहा कोठी का लोगों पर कीजिए, ठीक ही किया लेकिन उसके बाद हाँ। और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे एकदम ऊपर ही चला लीजिएगा, अरे नीचे कीजिए जी, नीचे ला बिहार का लोग समझ में आ रहा है, 50% में अब सर एकदम थोड़ा सा नीचे करना भाई, ठीक रहा नीचे करो सर, मेरा माइक बोल लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी, इसलिए हमने कहा इसको मार जाएंगे, कम से कम 65% कर दिया जाए और 10 तो पहले से 50, 10, 60 तो अगर फिर ऐसी कर रहे हैं आप कर दिया जाए 65, 10, 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया और महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई बात या कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, उसके चलते मेरी निंदा हुई है, तो मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हम महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए अपना पढ़ाई करवा रहे हैं, अब मालूम है ना कैमरा लोग, अरे नीचे कीजिए ना, ये तक की आबादी है भाई क्या हुआ यार, रिपोर्ट आया घटा कैसे तार, तो आप समझ लीजिए शिक्षा का जो विकास हो रहा है और उसके चलते ये नीचे आ रहा था, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, लगे हुए हैं तो भाई हम अंदर बोलिए पीछे कौन है यार, हट जाओ यार, मेरी सब बात को देखिए और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं। ठीक है सर, 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 ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आपने बयान सुना, कल सदन में अपनी बातें रखी थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यही बात कही कि मेरे कोई भावना नहीं थी कि किसी को ठेस मैं पहुंचाऊं, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इस बयान को वापस लेता हूं, उस पर मैं माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी निंदा करते हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, तो अगर किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए माफी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांगी है, क्योंकि इस बयान के आने के बाद से लगातार इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही थी और कई तरीके की बात जो है वो की जा रही थी, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और उनका यही उद्देश्य है कि महिलाओं की जो साक्षरता बढ़ी तो प्रजनन दर भी जो है उसमें कमी आई।